जो भी उम्मीदवार सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर होता है कि सिविल सेवा के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो केवल आप ही के लिए है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2021 में पूछे गए सवालों की लिस्ट जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे तो नमस्कार मैं कृतकाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द वेजिटेशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड स्केटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली कैप्टन चेक बाय वन और मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर सच कंडीशन यानि यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है और हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें लाया करती है पहला है हमारा बरोइंग एनिमल्स एंड टर्मिटीज़ फायर ग्रेजिंग हर्बीवोरस सीजनल रेनफॉल या सॉइल प्रॉपर्टीज़ इसी के साथ हमारा हमें इसमें बताना है कौन कौन से दो हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो सही हैं नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है हमारी मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक ट्री इज़ अ लेग्युमिनियस एवरग्रीन ट्री यानी मोरिंगा क्या एक ऐसा पेड़ है जो पूरे साल हरा भरा रहता है टैमरिन ट्री इज एंडमिक टू साउथ एशिया यानी कहीं ना कहीं वो गायब होता जा रहा है साउथ एशिया से इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरेन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा यानी जो इंडिया है वो इसके सीड्स को एक्सपोर्ट uh, करता है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फ्यूल्स यानी ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं अब हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है टोटल हमें तीन बतानी है देन नेक्स्ट भी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है लीव लिटर डिकम्पोज फास्टर देन इन एनी अदर बायोमी एंड एज अ रिजल्ट द सॉयल सर्विसज इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर

मैनग्रोव फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये हमें एक डेफिनेशन दी गई है हमें बताना है कि चारों के चारों फॉरेस्ट में से कौन से फॉरेस्ट को डिफाइन यहाँ पे ओपन में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट यानि मच्छरों को भगाने के लिए कौन सी रेमिडी को इसमें यूज़ किया जाता है कांग्रेस क्रास एलिफेंट क्रास लेमन ग्रास या नट ग्रास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पहला है कोपोट्स साइनोबैक्टीरिया डायटम्स या फॉरामाइनफेरा इन में से कौन सा विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन्स ऑफ ओशन एशियन में कौन से इन चारों में से आ, सबसे पहले बनते हैं वो हमें बताने हैं नेक्स्ट इज इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सर्फेस विदाउट सॉइल यानी सॉइल के अलावा इन सब कौन सी जो है वो अपने आप को बूस्ट करती है कौन सी इस सर्फेस पे लाए करती है पहला है फंड लचस मॉस या मशरूम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी यू एंड सी डी एफ एंड द अर्बो फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2023 ट्वेंटी थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है हैदराबाद वॉज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेनटेन द अर्बन फॉरेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट जो सही है या इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको जो भी नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं आपको वो पढ़नी है पर हाँ आपको दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अर्थ पे कितना वाटर अवेलेबल है फर्स्ट स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यानी जो अमाउंट हमारा रिवर और लेक्स में मौजूद है वो हमारा ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है दूसरा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड ग्राउंड वाटर जो हमारा फ्रीज वाटर है जो हमारा कोल्ड वाटर है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर और आइस कैप्स वो हमारा ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है आपको क्या लगता है आप उसका आंसर हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक दूसरा है इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज़ कौन सी इसमें से करेक्ट है वो आप बताइएगा नेक्स्ट भी आपको एक स्टेटमेंट दी गई है अब उसको पढ़ के देखते हैं आर टू कोड ऑफ पार्टीसीज कंस्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडोप्शन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द राम सागर कन्वेंशन सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमेंट इन द एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ये आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है अब आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स ठीक है तो आप इसका समझ ही गए होंगे इसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं दे में रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन टू एनवायरमेंट द कॉपर स्लैक कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इन टू इन्वायरमेंट या में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट कौन सा कोड है हमारा वो आप देखिएगा. जनरेट पावर इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशन इन टू एनवायरमेंट अब इसमें से कौन सा सही है वो आप बताइएगा वॉट इज ब्लू कार्बन यानी नीला जो कार्बन है वो carbon captured by ocean and coastal ecosystem carbon sequenced in forest biomass and agricultural soil carbon contained in petroleum and natural gases ya carbon present in atmosphere then consider the following animals hedgehog mammoth or pangolin to reduce the chance of being captured by predator which of the above organism rolls up roll up and protect its vulnerable part आपको इसमें से कौन सा है ये बताना है विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लोरेशन ऑन द फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इट वॉज द फर्स्ट इंड्रॉज एट दूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन टू थाउजेंड फोर्टीन इट इंड्रॉज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ़ फॉरस्ट इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिकलोरेशन इट इज इंड्रॉज बाई गवर्मेंट बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज इंडिया वॉज वन ऑफ दिज सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन Next question is: Magnetite particles suspected to cause neurogenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? Brakes of motor vehicles, engines of motor vehicles, microwave stove with homes, or power plants or telephone lines. Next is which of the following is a filter feeder? Catfish, octopus, oyster, or pelican. In case which of the following biogeochemical cycle, the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle or sulfur cycle. Which of the following are detrivorous, earthworm, jellyfish, millipads, seahorses or woodlakes? The common carbon metric supported by UNEP has been developed for assessing the carbon footprint of building operation around the world enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading enabling government to access the overall carbon footprint caused by their countries or assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time next question is which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms सिंडेरियन फनज और प्रोटोजोआ। तो यह थी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो इस साल हमारे एग्जाम में पूछे गए थे तो उम्मीद है आपको यह सारे क्वेश्चन आपने या तो नोट डाउन कर लिए होंगे या इनके आंसर्स को कहीं आपने रफली लिख लिया होगा हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं विच इज़ जोग्रफी जोग्राफी से भी हमारे कई सारे इसमें क्वेश्चन आए थे अब की बार वो इस प्रकार है With reference to the Indus River system, of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus direct. Among the following, which one is the सच रिवर दैट जॉइन द इंडस डायरेक्ट कई सारी हमारे जो अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति पर गौर फरमाएं तो जो इंडस नदी है यानी जो सिंधु नदी है उसमें कई सारी नदियाँ हमारी सहायक नदियाँ हैं वो आकर मिलती हैं अब कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो इंडस नदी में डायरेक्टली मिल जाती है वो ऑप्शन में आपको बताना है चेनब झेलम रवि या सतलुज नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना कुचमन सरगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ ग्लैशियर्स मैंग्रोव एरियाज रामसर साइट्स और सेलाइन लेक्स किन के नाम इसमें दिए गए हैं यानी जो हमारे पास चार नाम दिए गए हैं इसके लिए किस को एक डिफाइन करता है इनमें से चारों में से कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स आपको ये चारों रिवर्स दी गई हैं ब्रह्मणी नगलवली सुब्रनखेरा या वम संधारा विश ऑफ द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट यानी पूर्व में से कौन सी जो नदी है वो आती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी नदियों के नाम फिर आप बताइए Consider the following statement the global ocean commission grant license for seabed exploration and mining in the international waters india has received licenses for seabed mineral exploration in international waters रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर बॉटल्स अब इनमें से कौन सा हमारा जो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो आपको देखना है नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्म द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंग्स इन द टेम्परेचर जोन वेस्टिलियर्स मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वॉमर एंड द वेस्टर्न सेक्शन इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो आपको बताना है नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हमारे हिस्ट्री पार्ट पे जिसमें एंशियन मेडिवल जो हमारा टाइम uh, पीरियड दिया गया है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे विद रेफरेंस टू द मेडिविल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज यानी आपको बताना है कि कौन सा साइज के मैटर में असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन चीजों को अरेंज करना है पहला है परगना सरकार या सूबा दूसरा है सरकार परगना या सूबा तीसरा है सूबा सरकार परगना चौथा है परगना सूबा सरकार आपको बताना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में इसमें सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द निजामत ऑफ आर कोर्ट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर रोहिलखंड किंगडम वॉज फाउंड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट या एक करेक्ट है या दो तीन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द डिक्लाइंस ऑफ द गुप्ताज अंडिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली सैवन सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थन इंडिया फर्स्ट है हमारा द गुप्ताज ऑफ मगध द परमारस ऑफ मालवा द पशुपतिज ऑफ थानेसर द मौक्रीज ऑफ़ कन्नाज द यादवस ऑफ देवगिरी या द मैत्र ऑफ़ पल्लवी नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पॉर्चुगीज़ राइटर नूज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट एन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एरियाज़ जो विजयनगर की महिलाएँ थीं वो किस एरिया में यानि कौन से काम में बहुत ज़्यादा First is Wrestling, Astrology, Accounting or Soothsaying. Next question is consider the following statement. It was during the reign of Iltumish uh, that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. Next, Second statement is it was during the reign of the Muhammad bin Tughlaq that Tamur occupied Multan and crossed the Indus. Third is, it was during the reign of Devaraya, second of Vijayanagar Empire, that Vasco de Gama reached the coast of Kerala. Which of the following is correct? Yeah, karna Consider the following statement. Saint Francis Xavier was one of the founding members of the Jesuit order. Saint Francis Xavier died in Goa and church is dedicated to him there. The feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa for each and every year. यानी आप स्टेटमेंट्स को दोबारा से देख सकते हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं नेक्स्ट है इसमें भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं फर्स्ट इज मितरा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभागा भागा वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट इन द मितक्शरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर वेयर एज इन द दयाभागा सिस्टम इट इज़ ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे दो सिस्टम दिए गए हैं एक है मितक्षशरा एंड दूसरा सेकेंड वन इज दयाभागा फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा अपर कास्ट के लिए है या जो दया भागा है वो लोअर कास्ट के लिए है सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा ये कहा गया है कि जो मृतक्षरा सिस्टम है उसमें जो प्रॉपर्टी का जो जितना भी लाइफ टाइम ऑफ द फादर वेयर इज इन द सन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टर्म ऑफ द फादर यानी अपने पिता के रहते हुए भी जो पुत्र होता था वह प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता था दूसरा सिस्टम था सिस्टम जिसमें आफ्टर द द डेथ ऑफ फादर यानी पिता की मृत्यु के बाद ही जो सन था वह प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता था राइट जमा सकता था द मितक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर ओनली ऑफ अ फैमिली वेर एज अ दयाभागा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बो मेल एंड ऑफ में फैमिली यानी यहां पर हमारे जो जेंडर सिस्टम है उसको दिखाया था तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने आपको अभी क्वेश्चंस बताया वह सभी आपको समझ में आ गए होंगे अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश में लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम मुझे बना है यूपीएससी टॉपो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम सक्सेसफुल आई ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस एस के सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजोन या फ्लिपकार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उनको मंगवा सकते हैं तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार यूपीएससी की प्रिलिम्स परीक्षा में गारंटेड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्ड पेपर्स आई एस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सी जिसमें है पेपर टू के 2011 से 2020 के सॉल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्ज़ाम